कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के पटियाला में रैली थी। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में किसान जो हैं वो दिल्ली आना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं और चुनाव के दौरान मंचों से वो किसानों के लिए अपनी चिंता दिखा रहे हैं कि हम आय दोगुनी कर देंगे और किसानों की स्थिति को बेहतर बना देंगे। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कितने तरीके की बात करते हैं। भाजपा सरकार 400 पार का आंकड़ा छूने का दावा कर रही है, लेकिन सोचिए किसानों से आखिर क्यों डर रही। किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। किसानों की हालत पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचती है। सोचिए, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6ठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री किसानों के हालातों पर गंभीरता से बात नहीं करते हैं। किसान जो है वो लगातार दिल्ली आने के लिए परेशान है, लेकिन सोचिए ये सरकार उनको रोकने की कोशिश करे। किस बात से सरकार को डर लग रहा है, किस बात से सरकार उनको रोकना चाह रही है, किस बात से सरकार के अंदर ये जो भय है, कहीं वो इस बात का तो नहीं कि किसान अगर दिल्ली आ जाएगा तो उसकी सरकार को गिराने का काम कर देगा। इतना डर का है देश के प्रधानमंत्री में। आप हमें दिल्ली नहीं आने दे रहे, आपसे सवाल करने को एमएसपी देने का वादा आपने लिखित में दिया था। हम किसानों को हम सवाल कर रहे हैं कि आपसे पीएम साहब हमसे मिलो। देश के प्रधानमंत्री से देश का किसान मिलना चाहता है, देश का नौजवान मिलना चाहता है, देश की महिलाएं मिलना चाहती हैं, देश के हालातों पर बात करने के लिए डॉक्टर्स मिलना चाहते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री मिलना तक जरूरी नहीं समझते, गंभीर मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट बनारस विश्वविद्यालय के अंदर ये डॉक्टर हैं। सोचिए किस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसी बनारस में जहां पर मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के शासित राज्य में ये हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम बनारस को क्यूटो बनाने का काम करेंगे। उस क्यूटो में किस तरीके से लूट मच रही है और कैसे भाजपा सरकार जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है कि वहां पर एक डॉक्टर, एक सर्जन, एक सीनियर प्रोफेसर धरने पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है। देश के प्रधानमंत्री 2 बार बनारस जाकर अपना रोड शो कर चुके हैं, लेकिन मजाल है कि इस डॉक्टर से मिलने के लिए उनके पास 5 मिनट का वक्त हो। तो सोचिए भाजपा सरकार के चाल चरित्र और चेहरे में कितना जमीन आसमान का फर्क है। 21वीं सदी के भारत में किसी भी मरीज की जान सरकारी अस्पताल में बेड के अभाव में होना एक जघन्य अपराध है और ये मानवता पे कलंक है। ये विकास की झूठी सच्चाई को भी हमारे सामने उजागर करता है। आओ हम सब मिलकर बिस्तर आंदोलन चलाकर इसे निदान पाए। सोचिए, एक डॉक्टर जो है वो मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था के लिए धरने पर बैठा है। किस तरीके से विश्वविद्यालय को निजीकरण किया जा रहा है, कैसे अस्पतालों की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री डंका बजा रहे हैं मंचों से, 400 पार। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री पंजाब जाकर किसान भाइयों से अपना रिश्ता बना लेते हैं, पटियाला की जमीन से अपना रिश्ता बना लेते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां से लोगों से अपना रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर कब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री? असल मुद्दों पर किसानों से कब मिलेंगे? असल मुद्दों पर नौजवानों से कब मिलेंगे? कैसे लाठियां खा रहा है देश का युवा? सिर्फ इसलिए कि नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा में किसानों का बीजेपी के खिलाफ आक्रोश इस कदर है कि बीजेपी के विरोध में प्रत्याशी को अंतिम कलश यात्रा निकाल रहे हैं। सोचिए, फार्मर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनके अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है, काफी ज्यादा गुस्से में लोग दिखाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां रैली के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है, किसानों का जो धरना है, वो टीवी अखबार ने मजाल है कि कहीं दिखाया हो। डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में मशाल जुलूस एवं सभा भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई से अनवरत आमरण अनशन पर बैठे बीएचयू के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर की मांगों को समर्थन में मशाल जुलूस व सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से एक देश का डॉक्टर जो है वो सड़कों पर सरकार से सवाल कर रहा है कि अस्पतालों की व्यवस्था को
कब सुधारा जाएगा, अस्पतालों की जो बिगड़ती हालत है उस पर कब बात होगी, कोवैक्सीन के बाद लोगों की जाने गई उस पर सरकार कब बोलेगी। सोचिए, ऑक्सीजन की कमी से देश की आधी आबादी जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। राजस्थान के सीकर में आदिवासी छात्र हनी मेस की मौत के कॉलेज प्रशासन ने आत्महत्या करार दिया। एक साल बाद मेडिकल जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वह हत्या थी। क्या मृतक हनी मेस के परिजनों को इंसाफ मिलेगा? क्या हनी मेस, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगा हनी मेस? कांड को न्याय दो। तो आदिवासियों पर लगातार अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आदिवासियों की जमीन चाहिए, जल चाहिए, जंगल चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं देना है सरकार को। जबकि देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को वनवासी के कर संबोधित करते हैं। सोचिए, ये हालत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में पिछले साल आत्महत्या नहीं, आदिवासी छात्र की हुई थी हत्या। सोचिए कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोगों को मजबूर कर दिया जाता है मरने के लिए। रोहित वेमोला, पायल तनवी और प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु हो, इन तमाम लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बांसवाड़ा के MBBS स्टूडेंट की सीकर में हत्या, सबको मेडिकल हॉस्टल के पास फेंका। तो ये अस्पतालों की व्यवस्था हो गई है। और भारत में मानव अधिकारों को बचाने के लिए BJP के खिलाफ वोट करें लगातार। जगह जगह एट्रोसिटीज की खबरें हमारे सामने आती हैं जिससे दिल दहल जाता है। लोगों को जबरन मारपीट की जा रही है कि उन्हें भाजपा सरकार को वोट देना है। योगिता बयाना लिखती है, मुख बधिर बेटी को न्याय दिलाने आज पीड़ित परिवार से मिलने राजस्थान पहुंची। पूरे मामले की जानकारी की लगातार देखने में आया कि पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों को बचा रही है और पीड़ित परिवारों को धमकी देने का काम कर रही है। सोचिए, बच्ची का बलात्कार हो जाता है। देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। आधी रात को महिला गहना लाद कर सड़कों पर जा सकती है, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह का बयान था। आज क्या हालत हो गई है, भजन लाल सरकार किस तरीके से बच्चियों की हालत पर गंभीरता से नहीं सोच रही है, ना संज्ञान ले रही है। क्या ये है भाजपा का महिला सम्मान? ये है भाजपा का महिलाओं के प्रति द्वेष जो लगातार खुलकर सामने आ रहा है। 2014 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ST/SC OBC का हक छीनने का पाप किया। अब वह अपने वोट बैंक के लिए देश भर में ऐसा ही करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल होना चाहिए, क्या आपने 10 सालों में तमाम इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को लागू किया? सोचिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान की आड़ में ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यही तो असल जंगल राज है जिसमें वो भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी गोली चलाने को उचित बताते हैं। आगे भी गोली चलाने की बात हो रही है तो बिहार में जंगल राज है। NDA की सरकार वहां पर है, TV अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। अगर यही कोई तेजस्वी यादव की सरकार होती, यही कोई लालू यादव की सरकार होती, यही कोई BSP सुप्रीमो मायावती की सरकार होती, यही कोई हेमंत सोरेन की सरकार होती तो गला फाड़ फाड़ कर तमाम एंकर्स जो हैं जंगल राज कह के वहां के प्रशासन को सर पर उठा लेते और सरकार को गिराने का काम करते। लेकिन वहां पर NDA की सरकार है, खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कहीं चर्चा नहीं है। सामंती भाजपा का आरोप है कि रोहिणी आचार्य बूथ लूटने आई थी। अब झुंड में मौजूद भाजपा ही उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे और फिर गोली से तो लोगों की हत्या करके लोकतंत्र की रक्षा भी भाजपाइयों ने की। इस वीडियो को देख कर तय कीजिए कि इस बार लोकतंत्र जीतेगा या सामंतवाद। शून्य महिलाओं को टिकट देने वाली मनुवादी भाजपा एक महिला को राजनीति में आगे बढ़ते देख बौखला गई है। तो ये BJP का चाल चरित्र चेहरा है जो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। ये कालवाड़ टाइम्स की हेडलाइंस देखिए, मोदी जी की खुली छूट, अडानी की महालूट। तो लगातार अडानी को लेके सवाल पूछा जा रहा है। बढ़ते दाम जो हैं वो जनता की नींद उड़ा रहे हैं, जनता की हालत खराब है। किस तरीके से महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है। ये पेपर की कटिंग देखिए, इस पेपर की कटिंग ने कैसे भाजपा सरकार की पोल खोल दी। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये 1,07,00,000 वोट कहाँ से आए? क्या यह भी नकली नोट की तरह नकली वोट हैं? ये EVM की नायजाज संतान है या जनता को उंगली का निशान है? कुछ तो बोलो भ्रष्ट राष्ट्र।
सोचिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा हो गया है। और कल तो इसी ने ये तक कह दिया कि आप अग्निवीर योजना पर बात नहीं कर सकते, आप संविधान का नाम नहीं ले सकते, तो इलेक्शन कमीशन बताए तो किन मुद्दों पर बात किया जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे मेरी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना होती का शायद उन्होंने 10 सालों में देश की वो तस्वीरें नहीं देखी, मणिपुर की नग्न महिलाओं की स्थिति नहीं देखी, सोची हाथरस की स्थिति नहीं देखी, कैसे घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कैसे देश का युवा उत्तर प्रदेश में लाठियां खा रहा है, कैसे किसान बेटियां जो हैं वो देश की राजधानी में लाठियां खा रही थी, उनके कपड़ों को किस तरीके से खींचकर घसीटकर मारा जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी आलोचना नहीं होती है। ये बेहद ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि पिछले 10 सालों में सबसे फ्लॉप अगर सरकार रही वो भाजपा सरकार रही। ये पेपर की कटिंग आप देखिए कैसे देश के प्रधानमंत्री की पोल खुल रही है। भाजपा शासन प्रशासन कम से कम गंगा जी से तो झूठ ना बोली है। गंगा में प्रदूषण जांच रिपोर्ट ना देने पर प्रयागराज के डीएम पर 20,000 का जुर्माना। सोचिए किस तरीके से आस्थाओं का मजाक बनाया गया। मां गंगा के लिए देश के प्रधानमंत्री आए थे, मां गंगा ने उन्हें बुलाया था और वही गंगा को प्रदूषित कर कर किस तरीके से सरेआम लोगों की आस्थाओं का मजाक बना रही है भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या भाजपा का विकास सचमुच आपको दिखाई दे रहा है या भाजपा का विकास इस बार भी तीसरी बार सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।